बदलने के हैं वो सब बदले गए हैं। अतिरिक्त जो विषयों में आज अपने उत्तर में मैंने बताया है सब, एक तो जो गलत बयानी मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अर्थात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो की है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने जो बताया है कि 4,15,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज है हरियाणा के ऊपर, वो एकदम गलत तथ्य है। क्योंकि सीएजी 2022 की जो रिपोर्ट है उसमें जो उल्लेख किया गया है 2,39,000 करोड़ रुपये का किया गया है, जबकि हमारे अकाउंट्स के 2 वर्ष तक इन अकाउंट्स को मिलान करना होता है तो 2,27,000 करोड़ ही है। तो ऐसे 11-12,000 करोड़ का अंतर तो उसमें भी है, लेकिन या तो 2,27,000 नहीं 2,39,000 है। कहीं किसी भी कीमत पर 4,15,000 का जो आंकड़ा है ये मिसकोट किया गया है, और इससे जो छवि हरियाणा प्रदेश की वो दूसरे प्रदेशों में धूमिल होती है। इसलिए मैंने स्पष्ट किया है और उन लोगों को एक आगाह किया कि इस प्रकार की गलत बयानी कम से कम बाहर न करें। ऐसे ही कासम और इसके आसपास के गांव गुरुग्राम जिले में जिनकी ज़मीन एक्वायर की गई थी 2010 में, एक्वायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि जो 2010 का मुआवजा वही उनको मिलना चाहिए। हमने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कि आज रेट काफ़ी ज़्यादा है वहाँ, तो उस ज़्यादा रेट के कारण से नई पॉलिसी एक बना करके, वो भी नो लिटिगेशन पॉलिसी है, अगर कोई कोर्ट में नहीं जाएंगे तो उस पॉलिसी में लगभग 2,67,000 रुपया अभी उनको मिलेगा। हाँ, यदि 21,000 रुपये की एनुटी को भी 33 साल की एनुटी उसको भी छोड़ते हैं, वो भी उसमें अतिरिक्त 3.5 लाख रुपया और मिलेगा पर एकड़, तो ये 2,71,00,000 रुपया पर एकड़ का ये उनको मिलेगा। और मेरी जहाँ तक जानकारी है, अभी जो समाचार मिल रहे हैं इससे सब लोग संतुष्ट हैं, और यदि किसी को ये मंजूर नहीं है तो फिर जो ओरिजिनल अवार्ड है 92 लाख रुपया और 450 स्क्वायर मीटर का प्लॉट ये दिया जाएगा। फिर कोर्ट जो फैसला करेगा उस हिसाब से हम करेंगे। नई योजना में इस प्लॉट का साइज 1,000 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है, और ये बायबैक करने के रेट भी उनको बता दिए हैं कि किस रेट पर हम उनसे बायबैक करेंगे, ताकि कुल मिलाकर के उनको जिस राशि मैंने बताई है 2,67,00,000 अथवा 2,71,00,000 ये उनको प्राप्त हो जाएगी। पंचायतों की चुनाव के बाद एक उनके कितने अधिकार होने चाहिए, तो जो पहले उनकी फाइलें सब प्रदेश सरकार के पास आती थी, लेकिन एक संवैधानिक अधिकार उनको पहले से भी मिला हुआ है लेकिन वो प्रैक्टिकली व्यवहार में नहीं था। आज सबने घोषणा कर दी है कि जो उनका पैसा यानी पंचायतों का अपना फंड्स होंगे या जो ग्रांट रेट दी जाएगी, उस सारे का निर्णय पंचायतें स्वयं करेंगी। अप्रूवल उन्हीं के जो हेड्स हैं वो करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो इंजीनियर्स हैं नीचे से ऊपर तक उसके रेंज बना दिए हैं वो सब करेंगे, ताकि समय पर उनका काम वो हो सके। लेकिन काम सारे ये हरियाणा इंजीनियरिंग पोर्टल जो है, वर्क्स पोर्टल, उसके माध्यम से होगा, ताकि एक पारदर्शी काम ये सब हो, और उसमें टेंडर जो हैं वो कम्पिटिटिव रेट पर क्वालिटी अच्छी हो, और जो ठेकेदार हैं वो भी अच्छे लेवल के वो ठेकेदार उसमें भाग लें। तो ऐसा जो हमारा एक पोर्टल बना हुआ है, उस पोर्टल में ही वो टेंडर डाल करके अपने काम को करा पाएंगे। स्कूलों का विषय भी एक आया है, उसमें बहुत सी चीज़ें, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों का विषय है, चाहे वो सरकारी स्कूलों से बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं वो विषय भी है, अध्यापकों के विषय हैं, ये सारे एक क्लैरिफाई करके उनको बताया है। और बहुत विषय तो कई बार विपक्ष के लोगों को पता नहीं होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स पॉलिसी में आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पॉलिसी और एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन, इनका कोटा 3% का जो ग्रुप सी में है, उसमें जितनी भी ग्रुप सी की नौकरियां किसी भी विभाग में दी जाएंगी उन सब संख्या का 3%, लेकिन दिया जाएगा केवल 4 विभागों में, वो 4 विभाग निश्चित किए हैं। वहां से अगर किसी और विभाग में कोई खेलों के उपयोग के नाते से जाना भी जाएगा तो डेपुटेशन पर भेजा जाएगा, उसमें हमारा स्कूल एजुकेशन वहाँ भेजे जाएंगे, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, पुलिस विभाग है, तो इस प्रकार के विभाग जहाँ खेलों का उपयोग ज़्यादा होता है, जिन बच्चों को जिन नौजवानों को खेल सिखलाई कराई जा सकती है, तो ऐसे एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन और जो जो स्पेशल जो इस प्रकार के स्पोर्ट्स के जो मेडल विनर्स हैं वो सब वहाँ पर उनको नौकरी पूरा टोटल का 3% कोटे का ये दिया जाएगा। कुछ किसानों के खेतों में जो पानी भरा हुआ है, उस पानी भरने के कारण से जिनकी बिजाई नहीं हुई है, ऐसे सबको जो मुआवजा पहले 6,000 रुपया एकड़ मिलता था, उनको 7,500 रुपया एकड़ ये मिलेगा। और केवल जिन लोगों ने अपनी ज़मीन को
जहां भट्ठे लगाने का उपयोग किया है या जमीन खुदाई करके उसका मिट्टी का उपयोग और कहीं किया है, ऐसे किसानों को ये मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने मिट्टी का उठा करके एक व्यावसायिक उपयोग किया है और उसके कारण से उस पानी में, उस जमीन के नीचे होने का पानी भरता है। उनको सलाह दी गई है कि वो लोग ऐसी जमीनों में अपनी फिशरी का जो खेती है वो करेंगे तो उनका उसका उपयोग होगा। तो इस प्रकार से 2022 वर्ष का ये अंतिम सेशन ये समाप्त हुआ है। 2023 की शुभकामनाएं सबको देते हुए, आपके माध्यम से हरियाणा की पूरी जनता को 2023 की शुभकामनाएं देते हुए और आज ये सत्र की समाप्ति हुई। सीएम साहब, आगामी किसानों को लेकर आपने कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है सदन में, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि सुपरफेन बोर्ड हरियाणा में बना हुआ है, सरकार गन्ना किसानों की दाम तय क्यों नहीं कर रही है? जब सुपरफेन बोर्ड बना है तो फिर नई कमेटी बनाने की आवश्यकता क्यों? देखिए मित्रों, कुछ प्रदेशों ने पहले से ही चीज़ लागू की हुई है कि गन्ने की कितनी किस भाव चीनी बिकती है और उसकी कितनी गन्ने की निकलती है एवरेज, यानी रिकवरी जो परसेंटेज है उसके हिसाब से और चीनी के भाव के हिसाब से उसका मूल्यांकन करने के बाद ही गन्ने का रेट तय किया जाता है। अभी तक हरियाणा में, पंजाब में अथवा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसका हिसाब नहीं लगाया जाता, बल्कि कोई भी एक रेट आर्बिट्रेरली वो सरकारें घोषित करती रही हैं, जिसके कारण से जो नुकसान होता है, घाटा होता है, हमेशा सरकारें देती रही हैं, चाहे प्राइवेट चीनी मिले हों और चाहे कॉपरेटिव चीनी मिले हों। लेकिन हम एक कमेटी के माध्यम से अध्ययन कराना चाहते हैं कि इसमें किस प्रकार से हम रिकवरी को, किस प्रकार के अच्छे रेट पर चीनी बिके, इसका भी प्रावधान कराएंगे और कितना नुकसान उसमें हरियाणा सरकार को होता है उसके हिसाब से। हो सकता है कुछ मिलों का जो यानी रिकवरी और चीनी का भाव मिलाकर इस रेट से ऊपर भी जाता होगा, तो 15 दिन के लिए एक कमेटी बना करके उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद गन्ने का रेट, फाइनल रेट जो है, अभी हमने 362 इसलिए घोषित किया है ताकि गन्ने का जो पैसा है वो सब मिले, जारी करना शुरू कर दें, फाइनल रेट 15 दिन के बाद बताएं। इसका विषय कल चर्चा में आ गया था और आपको सब बता दिया गया है, HKR एकदम फुल प्रूफ सिस्टम है, किसी प्रकार की कोई वैकेंट्री नहीं है, उसके पैरामीटर्स तय हैं और उसमें किस बात को हम प्रायोरिटी देंगे, गरीब आदमी को प्रायोरिटी देने का हमारा काम है और वो एकदम टेम्परेरी नौकरी है, एक साल के लिए उसका एक आश्वासन दिया जाता है, एक साल से आगे तभी होगा जब हमारे पास पक्की नौकरी में लोग नहीं आ पाएंगे। मुख्यमंत्री जी, एक पोर्टल वाला मुद्दा अभी तक आप जैसे नौजवान आदमी जो आईटी मार्केट और ये सिस्टम को समझते हैं, क्या विपक्ष लीडरों को आईटी सेक्टर और पोर्टल की जानकारी देने के लिए स्पेशल तलाशी ली जाएगी? एक हम ट्रेनिंग कैंप लगा सकते हैं कि इनको सबको इन्वाइट करेंगे कि आइए, पोर्टल भी, ऐप भी, वेबसाइट भी, सोशल सिस्टम भी, मीडिया भी, सारा इससे समझ सकें। अच्छा है, उनको समझने का मौका देंगे और मौका मिल गया तो वो 21वीं सदी की चाल में शामिल हो पाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि SGPC जो अमृतसर बनी हुई है, उन्होंने उसका विरोध किया था, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, लेकिन वो बहुत समय से, क्योंकि एक्ट तो कांग्रेस सरकार के समय ही बना था, हरियाणा के सिख समाज के हित में बना था, उनके कहने पर बना था, कोर्ट में अंडर लिटिगेशन वो चलता रहा और अंततः हमने भी उसको परस्यू किया और अब आकर के सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि नहीं, हरियाणा का हर स्टेट का अधिकार है कि वो अपना इस प्रकार का कोई एक्ट बनाना चाहे तो बना सकते हैं। क्योंकि वो पिछले समय में 18 महीने की कमेटी बनाई गई थी, उसके आगे कोई भी उसमें प्रावधान नहीं रखा गया, व्हाट आफ्टर 18 मंथ्स, पता भी नहीं था कि कोई सुप्रीम कोर्ट में जाकर ले आएगा। अब वो कमेटी 18 महीने के बाद उसका अस्तित्व वास्तव में समाप्त हो गया, उस समय हम इसलिए उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, यानी नया प्रावधान नहीं ला सकते थे कि मैटर वाज अंडर लिटिगेशन, तो सबजुडिस होने के कारण से उस पर कुछ नहीं किया जा सकता था। अब चूंकि दोबारा से एक निर्णय हमको लेना था कि इसका किस प्रकार से आगे व्यवस्था बनेगी, तो हमने वही काम जो 18 महीने उस समय किया गया था, कुछ नया नहीं किया, जो उस समय सरकार ने किया था वही हमने किया, सेम पैटर्न पर 18 महीने के लिए कमेटी बनाई और उसका इलेक्शन कमिश्नर वो तय कर दिया है, उस इलेक्शन कमिश्नर को कह दिया 18 महीने के अंदर वो चुनाव करवाएं। अब कोशिश तो ये है कि जल्दी से जल्दी हो, लेकिन ये काम नहीं है,
जितना जल्दी वो करवा देंगे उतना जल्दी पुरानी जो ये जो एडॉक कमेटी है ये इसको नई कमेटी को हैंडओवर कर देंगे, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि किन्हीं कारणों से 18 महीने में चुनाव नहीं करा पाते हैं तो फिर से संविधान संशोधन न करना पड़े, इसके लिए एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस बना दिया कि आवश्यकता पड़ने पर 18 महीने बाद फिर भी कमेटी बनानी पड़ेगी तो 18 महीने के लिए नई बनाई जा सकती है। एक केवल लेजिस्लेटिव एक रास्ता दिया है, उसमें कोई नई कमेटी पुरानी बने ऐसी कोई सरकार की मंशा नहीं है। लेकिन किन्हीं भी कारणों से चुनाव होना अनिवार्य है, उससे पहले 18 महीने चुनाव ना हो तब उसके लिए किया गया, और कोई विवाद इसमें नहीं है। उनका कहना इतना ही था कि दोबारा से 18 महीने का प्रावधान क्यों डाला जा रहा है, तो इसका कोई अनिवार्यता नहीं रहेगी। अगर पहली कमेटी ही यानी अभी जो इलेक्शन कमीशन ही नई कमेटी का चुनाव कर देते हैं ऑटोमेटिकली वो निरस्त हो जाए। बता दिया मैंने पहले, तो क्या लगता है कि जो किसानों को आपकी तरफ से बात कही गई तो क्या मानेंगे, क्या कमेटी? देखिए तो हमने अपनी ओर से बढ़िया जो बना सकते हैं वो बना के दे दी है। जो 92 लाख रुपए उनको मिलना था और 450 मीटर का प्लॉट मिलना था, उसकी जगह 92 लाख के साथ हमने 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट ऑफर कर दिया है, और उसमें भी आज के रेट के हिसाब से उनसे बायबैक करने का भी वादा कर लिया है कि 3 महीने बाद जैसे उनको सर्टिफिकेट देंगे उस सर्टिफिकेट को विद इन 15 डेज बेच सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। अपने पास रखने के बाद 2 साल बाद प्लॉट हैंड ओवर कर दिया जाएगा और जो उसका डेवलपमेंट चार्ज और जमीन का पैसा उनसे लिया जाएगा, उसके बाद वो किसी भी भाव देंगे। स्वाभाविक है कि आज जो रेट 34-35 हज़ार का हमने बताया है वो उससे ज्यादा ही महंगा बिकेगा, लेकिन कोई उससे पहले अगर वापस करना चाहता है तो उनका इंश्योर्ड 2 करोड़ और 67 लाख, अगर एन्युइटी नहीं लेते हैं तो 2 करोड़ लगभग 71 लाख। ये है और इस हो जाएंगे, 2 विकल्प दिए हैं, या तो ये करें और नहीं तो पुराने रेट के हिसाब से रेट लें और फिर सुप्रीम कोर्ट अथवा जिस भी कोर्ट में जाना है तो उसका जो फैसला कोर्ट करेगा वो उनको मंजूर होगा। वो एक विषय है जो आप लोगों ने उसको देखा होगा कि नेशनल क्राइम बोर्ड है, उसके अंदर एक डाटा शराब से कितनी डेथ्स हुई, उसमें टेक्निकल चीज क्या है कि यहाँ ये पूछा गया कि जहरीली शराब से कितना हुआ, वो जो डाटा रखा गया उसमें शराब से कितना हुआ उसमें एक्सेसिव ड्रिंकिंग इसके कारण से भी डेथ्स हुई है। तो ज्यादातर डेथ जो होती है वो एक्सेसिव ड्रिंकिंग के कारण से होती है, जिसकी रिपोर्टिंग भी की जाती है। जहरीली शराब से कितनी होती है वो अलग होती है, वहां वो डाटा मिक्स करके वहां जो प्रिंट किया गया उसी का उल्लेख कर रहे हैं कि लगभग 500 डेथ्स जो है लोकसभा बताई गई वो एक्सेसिव ड्रिंकिंग प्लस जहरीली शराब, यहाँ जो बताई गई है केवल जहरीली शराब। अगर वो एक्सेसिव ड्रिंकिंग की बात भी पूछते तो वो सारा डाटा बताया जाता। देखिए कुछ टेक्निकल चीजें कोई गलती अगर होती है टेक्निकल बात है। अब एक अभय सिंह चौटाला ने विषय उठाया कि विध्वंस शब्द जो है ये कैसे लिखा गया, अभी हमने नहीं लिखा है, ये लोकसभा अपना विधानसभा स्पीकर उसकी जांच करेंगे, क्योंकि विधानसभा में ही कई गलती हुई होगी। तो हमारे सामने जो लिखा है वो विध्वंसक शब्द था, और विध्वंसक शब्द पर आपत्ति जब मैंने उठाई है उस समय उसके पास उनका जवाब नहीं था, ये आफ्टर थॉट करके वो भी लेके आए हैं कि पता नहीं विध्वंसक था कि नहीं था। विध्वंसक शब्द यदि उन्होंने लिख के दिया था तो बहुत ही भयंकर है, बहुत ही गलत है। हाँ, उन्होंने सामान्य जानकारी के रूप में लिख के दिया और वो शब्द विध्वंसक कहीं और लिखा गया तो विधानसभा के हमारे स्पीकर महोदय उसकी जांच करेंगे। धन्यवाद। मिली है, अब उसमें मैंने फोन भी किया है अभी, तो मोदी जी हालांकि अहमदाबाद गए हैं, फ्रेश नई जानकारी कोई आएगी तो आपको जानकारी मिलेगी।